दोस्तों शॉर्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी मैं मीटिंग करने वाला हूँ सुभाष देवरिया सर के साथ, और ओनली फॉर ATC के लिए ये क्या करने वाले हैं उस पर पूरी बातचीत होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने अपना ब्लॉकचेन बनाया हुआ है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो ATC कॉइन की है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी पर सभी लोग फंसे हुए हैं। तो यूज़र्स के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकता है इन फ्यूचर, और कुछ प्लान डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैं आपको PDF, आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, और उसमें क्या कुछ प्लानिंग इन्होंने किया है, ATC को कैसे ग्रो करेंगे, और इस मीटिंग में भी इन्होंने काफ़ी डिस्क्राइब किया है। आप पूरा मीटिंग सुन लीजिएगा इनका जो जूम में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। आज हैप्पी है क्योंकि सुभाष सर अपना कीमती समय निकाल करके हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम बहुत ही आभार मार्केट प्लेस मिलेगा। तो सर से थोड़ा सा मैं बताना हिंट दिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने तो क्वेश्चंस बहुत सारे करने थे, क्योंकि सर के पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं शॉर्ट टाइम सर का थोड़ा सा ले, तो सर प्लीज़ थोड़ा सा आप कुछ बताएं। हाँ रामाशीष, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी नई नई शादी हुई है और आपके साथी में नहीं आ पाया। परिवार के लिए, कम्युनिटी के लिए, जो भी हमारा क्रिप्टो का जो फैमिली है और जो हमारे ATC फैमिली है, कोयल है, दूसरे जितने भी हमारे ग्रुप हैं, वो सबके लिए काफी अच्छा एक मैसेज रहेगा और सिस्टम रहेगा कि हमने क्या डेवलपमेंट किया, किस तरीके से है और किस तरीके से हमारी कम्युनिटी को आगे हम लोग वर्क करना चाह रहे हैं, उस सब चीज के बारे में पूरे डिटेलिंग के बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मेंबर्स आ जाएं और ज्वाइन हुई। बेसिकली मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करूंगा, ये आज थोड़ा सा एजुकेशन का और हमारे रिसर्च का और हमारे फ्यूचर प्लान का एक पार्ट है आज की डेट में। जो भी ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन होती क्या है बेसिकली? ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम मीन्स जितनी भी अभी तक वर्किंग होती थी वो सेंट्रलाइज सिस्टम में होती थी। अब से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, जैसे खुद के सर्वर होते थे, खुद का एक प्लेटफॉर्म होता था, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था या उसमें कोई देख नहीं सकता था, उसी तरीके से जो ब्लॉकचेन है, जो एक ऐसी है कि जिसमें मल्टीपल लोग उस डाटा को होस्ट करते हैं और उसको होस्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो आम पब्लिक तक पहुंचता है। मीन्स जो भी ब्लॉकचेन है उस ब्लॉकचेन को नोड के रूप में सब लोग होस्ट करते हैं, अलग अलग सिस्टम में नोड लगाते हैं। अब वो जब नोड लगाते हैं तो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई वो लोग करते हैं और उसका रिवार्ड मिलता है उनको, और वो जो रिवार्ड मिलता है वो जो नोड ऑनर्स होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, जिसको आप ट्रांजेक्शन वैलिडेटर भी कह सकते हैं, उसको उस रिवार्ड का, उस ट्रांजेक्शन की फीस का पूरा पैसा उसको जाता है। ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर आने वाले समय में ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज का फ्यूचर ऐसा है कि हर एक चीज आप धीरे धीरे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, मैं शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट भी आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ब्लॉकचेन के ऊपर डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद चाहती है कि ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन हो और उस ब्लॉकचेन के हिसाब से सारा सारा वर्किंग हो। तो हमने जो एक प्लानिंग किया है, काफी इनकी रिसर्च के बाद एक चीज महसूस की है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा भी कि मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगा आपको उसको कि किस तरीके से हमारी ब्लॉकचेन और ये ब्लॉकचेन दूसरों की ब्लॉकचेन में क्या फर्क है, किस किस तरीके के इसमें सारे सारे पॉइंट आते हैं। मीन्स अगर आपने देखा होगा कि इथेरियम की ब्लॉकचेन है, इथेरियम और बिटकॉइन या अपने अपने तरीके से लोग ब्लॉकचेन डेवलप करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल नाम है, जो फादर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा सकता है, क्या कहा जा सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर। उसी तरीके से इथेरियम ने जो ब्लॉकचेन तैयार की है वो भी फादर ऑफ ब्लॉकचेन्स हैं। मतलब उसने जो डेवलप किया है प्रोग्राम, जो कम्युनिटी ने डेवलप किया है, वो एक ऐसी चीज है कि आज सब उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब 90% जो ब्लॉकचेन्स हैं वो इथेरियम को फॉलो करते हैं, इथेरियम के लॉजिक को फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से पूरी पूरी नेट मार्केट जो है वो डेवलप हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है आज के टाइम के अंदर जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमने किया है, जो ब्लॉकचेन डेवलप किया है, वो भी इथेरियम को बेस मानते हुए, इथेरियम की ब्लॉकचेन को फोकस करते हुए, क्योंकि सारी दुनिया 90% लोग अगर इथेरियम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो हमने भी उसी तरीके से वर्किंग किया है। और अपनी जो ब्लॉकचेन, जो हमारी जो ब्लॉकचेन तैयार हुई है
वो BDLT ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी वो हमने तैयार की है और उस लेवल की तैयार की है कि जो काम आप इथेरियम पे कर सकते हैं वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो काम आप दूसरी ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं वो काम हमारे BDLT की ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकते हैं। बहुत ताज्जुब होगा आप सब लोगों को सुनने के बाद में कि जो चीज हमने तैयार की वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। कुछ लोग उसमें आ गए हैं, मैं उनको ज्वाइन करा देता हूं। ये जो हमारी ब्लॉकचेन तैयार हुई है ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ है कि जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज तैयार कर सकते हैं, ट्रांजेक्शंस बना सकते हैं, टोकन्स बना सकते हैं, इसके अंदर आप डेप बना सकते हैं, इसके अंदर आप पूरा वो सब चीज कर सकते हैं जो दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर आप कर पाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में कि हमने किस तरीके से सारा प्लानिंग किया है BDLT के बारे में। कि BDLT एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपने देखा होगा, मैं शेयर भी कर दूंगा, अभी मैं शेयर करता हूं उस चीज को, कि कुछ चीज ऐसी है जहां पे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक जितनी ब्लॉकचेन्स होती हैं उनके पास में ब्लॉकचेन के बाद जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन्स होती हैं उसका एक मॉडल तैयार होता है कि उस प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने देखा होगा कि डेप रडार करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी की सारी चीजें, सारा का सारा जो ब्लॉकचेन्स होती हैं उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं अभी आपको शेयर करके दिखाता हूं कि हम में और दूसरों में क्या फर्क रहेगा, किस किस तरीके से वर्किंग करता है, किस किस तरीके से प्लानिंग करता है। मैं एक आपको शेयर करता हूं स्क्रीन, जैसे आप मैंने आपको इस स्क्रीन शेयर किया है, इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि टॉप चेन ब्लॉकचेन जो डेप के ऊपर है, जैसे इथेरियम है, ईओएस है, ट्रोन है, एंटोलॉजी है, टंडर केयर है, वेब्स है, वैक्स है, स्टीम्स है, हाइव्स है, बीएससी है, पोलोगन है, और भी जितनी भी सारी ब्लॉकचेन्स देखेंगे उसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन्स आपको यहाँ पे मिलेगी। BDLT की ब्लॉकचेन जैसे आप इथेरियम की देख रहे हैं, मैटिक की देख रहे हैं, इस तरह की ब्लॉकचेन आपको हमारे डेप पे मिलेगी। और मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि ऑलरेडी जो मेटामास्क के अंदर है वो हमारी ब्लॉकचेन अनेबल्ड हो चुकी है। एक बहुत बड़ी बात है कि मेटामास्क के अंदर, वॉलेट के अंदर हमारी ब्लॉकचेन को आना। अब जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी ब्लॉकचेन काम करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इथेरियम ब्लॉकचेन की, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन है ये। टेक्निकली मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक ब्लॉकचेन जो होती है उसके कुछ मोटो होते हैं काम करने के, वो किस इंडस्ट्रीज में काम कर रही है उसका क्या वो है। अब मोस्टली क्या होता है, ये कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कम्युनिटी जो है वो उस ब्लॉकचेन को कहां पे लाइक करती है, उस ब्लॉकचेन में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर वर्किंग है, तो वो उस इंडस्ट्री उसी तरीके से चलती है। अभी आप जैसे देखा यहां पे देख रहे होंगे आप कि जो इथेरियम की ब्लॉकचेन यहां पे हमने खोला है, अभी ये मार्केट प्लेस है इसका, एक्सचेंज है, डेफी है, कोलैबोरेशंस है, मार्केट प्लेस है, कलेक्शंस है, डेफी है। मींस अगर मैं बात करूं अभी तक ब्लॉकचेन दो या तीन इंडस्ट्रीज तक ही सीमित है। दो या तीन इंडस्ट्रीज का मतलब है वो सीमित है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बनाने के, वो सीमित है एक्सचेंज बनाने के लिए, वो सीमित है गेम्स के लिए भी। इस तरीके से चार पांच इंडस्ट्रीज अभी ऐसी हैं जो ऑलरेडी उस पर वर्किंग कर रही हैं। सो आई थिंक जो भी ये लिख रहे हैं थोड़ा सा प्लीज आप जो शांत रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीज अच्छी नहीं लगती है, इतनी मेहनत करने के बाद पूरी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ लोग अगर इस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो जो मैं शेयर कर रहा हूं उसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो मैं जो बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमने ब्लॉकचेन बनाई है वो ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर
ट्रेवल इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे, हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हम इसको इन्वॉल्व करेंगे ई कॉमर्स के लिए। इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अंदर हम लोग ये इन्वॉल्वमेंट करेंगे आप लोगों के लिए, और ऑटोमेटिकली मल्टीपल इंडस्ट्रीज हमारे इसके अंदर आएंगी, और वो इंडस्ट्रीज आने के बाद आप देखेंगे उस चीज को ऑटोमेटिकली काफी अच्छी पोजिशन पे वो आएगा। मैं और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं इसके अंदर कि फॉर एग्जाम्पल कि जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी, अभी दो दिन पहले टाइम्स ऑफ ग्रुप ने, बहुत लोगों के पास में वो चीज पहुंची होगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने अंदर एक एनालिसिस किया था आइकॉन ऑफ द एक्सलेंस करके, उसके अंदर क्या था कि जितनी भी ब्लॉकचेन थी, जितनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाली कंपनियां थी, उनकी सारी ब्लॉकचेनों को देखा, और देखने के बाद में हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजेक्शंस किया, दो चीज उसके अंदर आई, एक तो ट्रांजेक्शंस आई और ट्रांजेक्शंस के बाद में जो भी उसके अंदर एक सिस्टम बना, वो सिस्टम ऐसा बना कि हमारी ब्लॉकचेन के अंदर 1.9 सेकंड ने, मतलब 1.9 सेकंड ने उसको 1.9 सेकंड ने ट्रांजेक्शंस को प्रोसेस किया, और फीस कितनी लगी कि बीडीएलटी के अंदर 0.000, मतलब 4 times 0, उसके बाद कुछ वो आए थे अक्षर नंबर्स आए थे, उतनी हमारी इसके अंदर वो लगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शंस के ऊपर है, अभी मैं आपको एक ट्रांजेक्शंस करके शेयर करके दिखाऊंगा, अगर वो सज्जन दोबारा से उस तरह की हरकत ना करें। एक सिंपल चीज है कि जब आदमी काम करता है ना, उसकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, और उसको सपोर्ट करने वाले मतलब सपोर्ट करने वाले बहुत होते हैं, दो चार टांग खींचने वाले होते हैं। ये पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर होता क्या है, कोई लूजर्स होते हैं, कोई गेनर्स होते हैं। मैं समझ सकता हूं इस चीज को कि मैं आज उन गेनर्स के लिए काम कर रहा हूं, लूजर्स के लिए काम कर रहा हूं, जिन्होंने एटीसी के अंदर, कोयल कॉइन के अंदर, दूसरी इंडस्ट्रीज में लूज किया है। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इंडस्ट्रीज छोड़ के भागा हूं। हाँ, हर तरीके से लोग होते हैं, और इस तरह की जो भाषाएं होती है, इस तरह का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, नो डाउट, ये इंडस्ट्री चलता है। और एक होता है ना, एक हाथी चलता है तो वो आगे देखता है और वो चलता ही रहता है। मैंने जो इस इंडस्ट्रीज में काम किया है, आप सब लोगों के लिए जो मैंने डेवलपमेंट किया है, वो अच्छा डेवलपमेंट किया है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया है। बाकी मैं इसकी परवाह नहीं करता कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। अब आगे बात करते हैं हम इस चीज के लिए कि जो हमारी ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन के अंदर एक ट्रांजेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, यहां पे शेयर कर रहा था इस चीज को कि ये चीज शेयर हो रही थी कि यहां के अंदर, अब वो सज्जन दोबारा से डिस्टर्ब ना करें तो ये मीटिंग को अच्छा चलने देंगे, कि वो जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी हरकत ना करें तो अच्छा है। मैं इसमें देख रहा था कि जितने भी यहाँ पे ब्लॉक चेन आ रही है, उस ब्लॉक चेन के अंदर पूरा का पूरा डेफी है, ये है, ये सारी हमारी जो बीडीएलटी की ब्लॉकचेन है यहाँ पे आएगी, और आप उसको देख सकते हैं उसी तरीके से। तो ये सारा सारा हमने तैयार किया है, और मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, जो अपनी ब्लॉकचेन है ट्रांजेक्शंस कैसे करती है, किस तरीके से वर्किंग करती है। बेसिकली बहुत चीज ऐसी हैं जो आज आपको देखने को मिलेंगी, पूरी हम लोग ने पूरा प्लानिंग किया है किस तरीके से वर्किंग करते हैं। आप देख रहे हैं ये बीडीएलटी का सुलर है, इसके अंदर आप टोकन बना सकते हैं, इसके अंदर आप सारी चीज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे अभी ये टोकन्स बने हुए हैं, अभी दोबारा से सज्जन वो सेम हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमने जो ये अभी प्लानिंग की है ब्लॉकचेन का, ये ब्लॉकचेन ऐसी है कि इसके अंदर आप सारी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो सारा सारा कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं बता रहा था कि हमने एक प्रोग्राम रन किया है, और वो प्रोग्राम क्या है कि हर ब्लॉकचेन का एक मोटो होता है, और वो मोटो किस तरह से होता है कि वो मोटो हमारा है कि हम एक नया दिशा लेके आएंगे। जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई में एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली, और वो क्या चीज देखने को मिली कि वर्ल्ड वाइड
नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे देश उसमें भाग लेते हैं, मोस्टली जो अमेरिका उसको लीड करता है, और लीड करने के बाद में वो मेंबर्स बनाता है, और मेंबर्स बनाने के बाद में उनको सपोर्ट करता है। और पहली बार आपने देखा होगा जब वो नाटो के सब मेंबर्स बने, और बनने के बाद में पोजिशन ये आया कि कौन उनको सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है। और हालात ये हुई कि अमेरिका ने जब वो नाटो के वो बनाया और वो मेंबर बनना चाह रहे थे और उनको सपोर्ट नहीं किया, और सपोर्ट नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि वो मजबूत, रसिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था, और रसिया एक अच्छी पावर बन गया है और उस तरीके से आगे बढ़ रहा है। वो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, भारत ने अपना पक्ष रखा, वो न्यूट्रल था, हम भी वो सेम पोजीशन कर रहे हैं कि आज भारत जो है वो इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा यहाँ पे सिस्टम है, उस सिस्टम से अगर हम चले हैं तो हमारे पास में हमारे यूजर्स जो हैं वो बहुत अपग्रेड हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक चीज कि वर्ल्ड वाइड जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज एमएनसी कंपनियां हैं, वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनियां हैं, उसके सीईओ, उनके सीनियर ऑफिसर्स वो इंडिया के हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के पास एक ताकत है, हमारे पास एक कस्टमर डाटाबेस है, तो वो सारी चीजें हमारे पास में वो आज अवेलेबल है। हम वही चीज करना चाह रहे हैं कि हमारी जो ब्लॉकचेन है, जरूरी नहीं है, आज आपने एक चीज देखी होगी, मैट्रिक एक ब्लॉकचेन है, मैं नाम ले रहा हूं मैट्रिक का, और दोनों जो लड़के हैं अगर उनका आप डाटाबेस देखें, आज से एक साल पहले उनके टोकन का जो प्राइस था वो ₹1.30 था, और जैसे ही उनकी ब्लॉकचेन डेवलप होने लगी, ग्लोबली जाने लग गई, आज ₹200 तक उनका प्राइस पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? कि ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने वर्किंग किया। मैं डे वन से एक चीज कहता हुआ आया हूं कि हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हमें ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना है। अब बार बार एक बात कह रहे हैं आपकी, सुभाष भाई, सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर इतना क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जो वर्ल्ड के जो टोकन टोकन्स है, टॉप 100 टोकन्स है, उसमें 70-80% जो है वो ब्लॉकचेन के है। मतलब ब्लॉकचेन एक ट्रांजेक्शन प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ता है, और वही चीज को हम आगे उसको प्रोसेस करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो BDLT ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन बना है, इसका 25%, और जितने भी यहाँ पे लोग होंगे, आप समझिएगा इस चीज को, मीटिंग में जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उसका 25% जो स्टेक है, आप BDLTScan.io को खोलेंगे, उसमें 25% जो स्टेक है वो अपना इसका है, ATC और उन दूसरे मेंबर का है, जहां पे क्रिप्टो फाउंडेशन हमने बनाया है। हमने उन कस्टमर्स को नहीं भूले हैं जो हमारे साथ हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब एक ही चीज है इसके अंदर कि आप सब लोग जितने भी हमारे क्रिप्टो के, हमारे जितने ATC कोयल कॉइन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका 25% हिस्सा इस ब्लॉकचेन के अंदर है। अब आप ताज्जुब करेंगे कि आपने ATC के नाम से क्यों नहीं बनाया, ATC के नाम से ब्लॉकचेन क्यों नहीं डेवलप करी। उसका एक रीजन था, जो एक टेक्निकल रीजन था, हमें वो करने को नहीं मिल पाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो अभी वर्किंग कर रहे हैं उसी तरीके से उसको वर्किंग कर रहे हैं कि हम लोग उसको आप देखेंगे कि जो फंड रेजिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, NFT है क्या? हमारे प्लेटफॉर्म पे NFT आएगा। NFT है क्या? NFT है कि एक कोई डिजाइन होती है, कोई एक पिक्चर्स होती है, कोई लैंड होती है। आजकल वर्चुअल का जमाना आ गया है, वर्चुअल लैंड का जमाना आ गया है। मेटावर्स क्या है? एक मीटिंग्स करते हैं हम लोग, और मीटिंग्स में वर्चुअल सारा बनता है, उस वर्चुअल के कारण हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो आने वाला समय उसी चीज का है कि हम लोग उसी तरीके से इकट्ठा होंगे और वो प्लानिंग करेंगे। मीन्स हमारी इस ब्लॉकचेन के अंदर हम कॉन्सेप्ट का हम फाइनिंग करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को बस परचेज करनी है तो वो बस हमारे प्लेटफॉर्म पर आके परचेज कर सकता है। कैसे? अब उसके पास फंड नहीं है तो वो 50-100 लोगों को पार्टनर बना सकता है। वो उसी तरीके से शेयरिंग दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने टोकन परचेज किया, NFT बनाई, उस NFT में कितना फायदा हो रहा है वो उसके अंदर ले सकता है। तो वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी और उसी हिसाब से हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं।
तो मींस जैसे मैंने बताया था कि और ब्लॉकचेन के अंदर क्या है कि वहां पे डेफी होती है, एक्सचेंज होते हैं, गेम्स होते हैं, हम यहाँ पे क्लाउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम पूरे इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट करें, हम कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट के बाद में हम लोग प्लानिंग करेंगे कैसे उसको लोगों तक पहुंचाएं। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा तो मेटामास्क के अंदर एक एक दो दो बीडीएलटी लोग रखेंगे, ऑटोमेटिकली सब लोगों के पास को वहां पर होगा और वो उससे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। मतलब ट्रांजेक्शन आप किस तरह से कर पाएंगे, आपके पास में है उस बीडीएलटी से आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आप जैसे इथेरियम के अंदर आप देखा, इथेरियम के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई टोकन बनाते हैं तो वहां फीस के रूप में इथेरियम कटता है, उसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप ट्रांजेक्शंस करेंगे और कोई भी टोकन बनाएंगे, मान लो एबीसीडी कोई टोकन बनाते हैं तो एबीसीडी टोकन के ट्रांजेक्शंस के लिए जो भी फीस लगेगी वो हमारी बीडीएलटी लगेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो हमने डेवलप की आज के डेट में। दूसरा मैंने बताया एनएफटी के बारे में, एनएफटी क्या है, हम लोग इसके ऊपर एनएफटी लेके आएंगे, क्लाउड फंडिंग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, एनएफटी का एक नया वर्जन लेके आएंगे कि आपको बस परचेज करनी है, 100 सीट होती है, एक एक सीट की एनएफटी होगी, एक एक सीट की। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि 70 सीट है बस के अंदर, एक कोई बस आ रही है तो 90% अगर बस भर जाती है तो उसके अंदर जो पहली सीटें होती है, पहली दूसरी सीटें जो होती है वो कॉस्टली बिकती है। मान लो 2.5 लाख की एक सीट बिकी और दिल्ली लखनऊ से अगर ट्रेवल लोग कर रहे हैं, 1000 रुपए का टिकट है और दो बार क्योंकि 6 घंटे में पहुंचती है, 2 राउंड लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उसके अंदर कि 1000 रुपए की इनकम हुई। और 1000 रुपए की इनकम होने का मतलब है जो हम कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्योंकि जो शरारती तत्व है वो शायद डिस्प्ले ना होने दें उस चीज को, तो दो चीज है कि हमने कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास में लाखों की कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए हमारी जो ब्लॉकचेन है वो लोगों तक पहुंचे, लोग उसका फायदा उठा पाए और अपने वॉलेट में, जैसे मैंने बताया था कि मेटामास्क के अंदर आप जाएं और मेटामास्क के अंदर बीडीएलटी ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। जो ब्लॉकचेन वहां पे हमने लिस्ट कराई है ये बहुत बड़ी बात है कि मेटामास्क के अंदर आप जाएंगे और जाने के बाद में एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है bdltcommunity.io। ये bdltcommunity.io क्या है कि हमारी इस इंडस्ट्रीज के अंदर सब लोगों तक हमारा BDLT का जो मेन टोकन है, जैसे इथेरियम का मेन इथेरियम की ब्लॉकचेन का मेन टोकन इथर है, ETH है, उसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन का जो मेन टोकन है वो BDLT है, BDLT ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी। और आप ताज्जुब करेंगे मेटामास्क पे ये ऑथराइज हो चुका है, हमारी ब्लॉकचेन ऑथराइज हो चुकी है। तो आप सीधा एक ही काम करेंगे, आप जाएंगे इसके अंदर मेटामास्क के अंदर ब्राउजर में जाएगा और ब्राउजर जाने के बाद में वहां पे आप टाइप कर दीजिएगा bdltcommunity.io, ऑटोमेटिकली वहां पे आपको मेटामास्क के पास में आपको एक मेटामास्क का लोगो मिलेगा, उस लोगो को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्लॉकचेन है उसका वॉलेट आपका अनेबल्ड हो जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा और वहां पे हमारा BDLT का एड्रेसेस आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एड्रेसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने ये प्लान लॉन्च किया है bdltcommunity.io, ये हमने लॉन्च किया है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है एक दो दिन के अंदर वेबिनार में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ऑलरेडी हमने मार्केट में डाल दिया है उसको और डालने के बाद में उस चीज को आप देख सकते हैं। मीन्स जो मेटामास्क में जाएगा और मेटामास्क में ब्राउजर में जाएगा, ब्राउजर के अंदर आप उसमें टाइप कीजिएगा bdltcommunity.io और वहां से आपको ऑटोमेटिकली जैसे वेबसाइट खुलेगी, डैप खुलेगा, उसके अंदर मेटामास्क का लोगो आएगा, उसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो बीडीएलटी की ब्लॉकचेन है वो अनेबल्ड हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, तो ये सारी चीज इसके अंदर है। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा आज की मीटिंग के अंदर, दोबारा से आप लोगों को हम लोग मैसेज पहुंचाएंगे और इस बार वेबिनार होगा, मीटिंग्स भी होंगी, वेबिनार होगा और जितने भी लोग हैं सो आई थिंक जो इस कॉन्सेप्ट में एंट्री लेना चाहते हैं वो बीडीएलटी
community.io पर जाएगा, वहां पे सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, आपको कोई तकलीफ वहां से मिलेगा। और सेकेंडली जितने भी हमारे ATC के कोयल कॉइन के या जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं पुराने, वो अपने लीडर से बात करें, अपनी अपलायंस से बात करें और जो हमारा नया प्रोग्राम आया है उसके बारे में डिस्कस करें, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। हमने वहां पे काम चालू कर दिया है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, धीरे धीरे इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, इसके ऊपर क्राउड फंडिंग आएगा और भी काफी चीज होंगी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज का जो डिस्टर्बेंस ये हुआ है मीटिंग के लिए, उसका एक छोटा सा कारण ये हो सकता है कि जो हमारी टेक्निकली सेटअप था वो बराबर नहीं हो पाया, और जो हमारा लाइसेंस था उस लाइसेंस में एक ही लाइसेंस का वो था रिक्वायरमेंट था, तो उसकी वजह से हम लोग उसको नहीं सेट कर पाए, लेकिन हम इस चीज को करेंगे। मतलब अब मैं कंपेयर बता दूंगा आपको कि जितनी भी ब्लॉक चेन है हमारे ब्लॉक चेन का, जैसे मैंने आपको बताया मैटिक का, अब जरूरी नहीं है वॉल्यूम का या किस तरीके से, लेकिन जो चीज हमने बनाई है हमारे इंडस्ट्रीज के लिए, जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज है उसके लिए मील का पत्थर होगा। यहाँ पे आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी डेवलप करें, टोकन्स बनाए, उसी तरीके से यहाँ पे वर्किंग करें, तो आपको सारी सारी चीज देखो यहाँ पे मिलेंगी, जो इथेरियम पे कर सकते हैं, जो आप BNB पे कर सकते हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं, जो मैटिक की ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में कि वो जो चीज वहां पे आप कर सकते हैं वो चीज यहाँ पे मिलेंगी। तो मेरी एक है अपने सीनियर से बात कीजिएगा, बात करने के बाद में ये जो हमने ब्लॉकचेन बनाई है, ये कम्युनिटी पूरी हमारी ATC कम्युनिटी हो, कोयल कॉइन की हो और भी जितने भी लोग हो, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ ये कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहा हूँ, हमारे नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहा हूँ, उसी तरीके से हम आगे इसको बढ़ाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर NFT, मेटावर्स, बहुत चीजें आएंगी, और आने के बाद में अब लाइव जो प्रेजेंटेशन, लाइव जो ट्रांजेक्शन है, मैं वहीं पर आपको दिखाऊंगा, जो एक दो दिन के अंदर दोबारा से वेबिनार करते हैं, और उस वेबिनार में फिर जैसे आज हजार लोग आए थे उसी तरीके से उसमें हजार लोग आएंगे और उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, लाइव ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा। तो मैं आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं नहीं खींच पाऊंगा, क्योंकि जो मुझे आज दिखाना, देखो आपको मेरे चेहरे से एक चीज तो नजर आ गई होगी कि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मुझे अच्छाई है बुराई है, मुझे अगर हजार आदमी अच्छा कहते हैं, दो चार आदमी बुरा कहते हैं, एक लूजर होता है, गेनर होता है, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे लूजर गेनर आपको मिलेंगे। है कि जो लूजर है उनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए, उनके लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, गेनर्स के लिए बढ़ना चाहिए, देन उसी हिसाब से आगे हम लोग प्लानिंग करते हैं, और सो आई थिंक सेम प्लानिंग आगे करेंगे और बहुत अच्छा।